फिर से डराने लगा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको मैं बता रही हूँ, एक बार फिर से कोरोना डरा रहा है क्योंकि कोरोना वायरस का अब नया वेरिएंट सामने आ चुका है। नए वेरिएंट के बीच कोरोना के बढ़ते मामलों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज बैठक करने वाले हैं। सुबह 10 बजे होने वाली इस वर्चुअल बैठक में सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री शामिल रहेंगे और खबर यही है कि जो नया वेरिएंट है ये एक बार फिर से डरा सकता है। 10 बजे मनसुख मांडविया के साथ ये बैठक होने वाली है। तमाम राज्यों के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो इसमें शामिल रहेंगे। और न्यूज़ 18 इंडिया की प्रियंका कांडपाल इस वक्त जुड़ी हुई है, उनका मैं रुख कर लेती हूँ। प्रियंका, कोरोना जिसे भूल चुका था लगभग हर आदमी, वो फिर से दस्तक दे रहा है। जी बिल्कुल, देखिए और इसीलिए ये आपात बैठक भी बुलाई गई है। जिस तरीके से BN.1 ये वेरिएंट है, कोरोना का नया वेरिएंट, ये काफी खतरनाक साबित हो रहा है। और भारत की अगर बात करें तो कैथला गोवा में इसके जो पेशेंट्स हैं वो भी मिल रहे हैं। ऐसे में क्या तैयारियां होनी चाहिए, किसी तरीके से कहीं स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कोई कमी ना हो, इसीलिए आज ये आपात बैठक की जा रही है जिसमें हर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी शामिल रहेंगे। क्या उनके राज्य में तैयारियां हैं, क्या उनको केंद्र से किसी तरीके की कोई जरूरत चाहिए इस वेरिएंट से लड़ने के लिए, तो इन तमाम चीजों को लेकर आज ये आपात बैठक बुलाई गई है ताकि तैयारी पूरी रहे कोरोना के इस नए वेरिएंट से लड़ने की। जी हाँ बिल्कुल, तो इसे लेकर एहतियात बरतनी अब शुरू हो चुकी है। बहुत शुक्रिया प्रियंका इस तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें आपके सामने, नए वेरिएंट का खतरा भी बढ़ने लगा है। आप अगर कोरोना को भूल चुके हैं तो सावधान हो जाने की जरूरत है। और ये तो वैसे भी सर्दी जुखाम का मौसम है और कोरोना एक बार फिर से दस्तक देता हुआ यहाँ पर दिखाई दे भी रहा है। हालांकि इसे लेकर हाई लेवल मीटिंग आज 10 बजे सुबह है। और मंगलवार सुबह तक देश में कोरोना का अपडेट क्या है जल्दी से वो भी आपको दिखा देते हैं। देखिए, मंगलवार सुबह देश भर में कोरोना के 288 नए मामले सामने आए हैं। नए केसों के सामने आने के बाद से पूरे देश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या बढ़ करके 1970 तक पहुंच चुकी है। केरल में कोरोना के एक नए मरीज की मौत की खबर मिल रही है और इसके अलावा कर्नाटक में भी एक कोरोना मरीज की मौत की खबर है। भारत में कोरोना के नए वेरियंट JN.1 का केस केरल में सामने आया है। तमिलनाडु में कोरोना के 8 नए मामले सामने आए हैं। और ये जो सब वेरिएंट है उसके बारे में आपको और ज्यादा हम जानकारी दे देते हैं। हालांकि इसे लेकर के जो हाई लेवल बैठक है वो तो आज 10 बजे होने ही वाली है। देखिए, भारत में दस्तक दे चुका है इस नए वेरिएंट को लेकर के WHO, अब अलर्ट हो चुका है, बाकी देशों को भी अलर्ट किया जा रहा है। कोरोना को लेकर WHO ने बड़ी चेतावनी दी है, नए वेरिएंट JN.1 को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया गया है। कोरोना को ये सब वेरिएंट है, ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BA.2.86 का इसे वंशज बताया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक JN.1 वायरस की सतह पर छोटे स्पाइक्स जैसा दिखाई देता है। JN.1 से जुड़े हुए मामले एशिया के कई देशों में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भारत में भी JN.1 वेरिएंट के मामले अब सामने आ चुके हैं। 8 दिसंबर को केरल में इसका पहला मामला सामने आया था। इसके लक्षण की अगर हम बात करें, क्योंकि वही जानना सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए, लक्षण में JN.1 के कोई खास लक्षण ऐसे दिखाई नहीं दे रहे और ऐसे में नॉर्मल वायरल फीवर और सब वेरियंट में फर्क कर पाना बड़ा मुश्किल है।